फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी या छोटा बेबी है और आप क्रिब खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो ये क्रिब मैंने ऑनलाइन मंगाया है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू कैरी है। ये छोटे से एक बैग में आया है, कवर है छोटा सा इसका, और इसे ऐसे जिप अप कर लिया है, ये देख लीजिए। और इसमें छोटे छोटे पीस हैं, उसको आपको जोड़ के एक पूरा प्रॉपर क्रिब बनाना है। और मुझे इसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये लगी कि आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। मतलब आप अगर कहीं भी रह रहे हैं तो वहाँ इसको लगा लीजिए, और अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप इसको भी वहाँ ईजिली कैरी कर सकते हैं। और इसमें एक ये जिसमें दिख रहा है आपको व्हील वाला आया है, और एक बेडिंग आई है, और नेट आया है, और एक ये ऐसे ट्रेस ही आई है। तो आपको मैं इसको पूरा जोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर मैं जोड़ सकती हूँ तो कोई भी जोड़ सकता है। तो इसमें ये चार रॉड आई हैं, इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। तो सबसे पहले जो मेन पार्ट है हम उसको ओपन करते हैं। इसे ऐसे खोल लेंगे और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है उसे नीचे प्रेस करना है, तो चारों साइड के जो डंडे हैं वो ऐसे अपने शेप में आ जाते हैं। और ऊपर का जो आपको दिख रहा है ये ऊपर को खींचना है, तो ऐसे क्लिक करके आवाज़ आती है और ये अपनी जगह पे सेटल हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, और ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी भी है। मतलब टूटने का डर बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो अंदर से ऊपर के जो रॉड है ना, ये लोहे के हैं, तो और ऊपर से फॉर्म किया गया है, तो बच्चे को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये ऊपर से ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और कई सारे कलर में था तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, एक्वा कलर। और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये, और इसमें इस साइड को ये देखिए नेट लगा हुआ है, और ये नीचे व्हील है, तो इसे ऐसे एक साइड में व्हील लगे हुए हैं, मतलब चार जैसे पैर हैं तो दो में लगे हुए व्हील। और इसे ओपन कर लेते हैं और इसे बंद कर लेते हैं कि ये खिसकेगा नहीं। अगर इसे खोल लिया तो ऐसे कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में भी मूव कर सकते हैं। इतना लाइट वेट है ना कि कोई भी इसे उठा सकता है, और बहुत ज़्यादा मजबूत है ये। तो इसमें बिल्कुल भी शार्प एजेस नहीं हैं जो बच्चों को नुकसान पहुँचाए। और नीचे देखिए अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बच्चों को ये बहुत प्यारे लगेंगे। और यहाँ नीचे नेट लगा हुआ है जो वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है, तीन साइड को नेट लगा हुआ है। और आप यहाँ से अपने बच्चे को देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, दूसरी साइड भी नेट लगा हुआ है, और ये तीसरी साइड भी नेट है, और यहाँ पर जिप है, तो यहाँ से आप अब कुछ भी सामान रख सकते हैं या अपने बेबी को ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सही है। तो ये जब मैंने मंगवाया था तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस साइड को पॉकेट है, ये देखिए इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ये मॉस्किटो नेट है जिसे आप ऊपर लगा लीजिए, और मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करता है। और एक इंस्ट्रक्शन पेपर है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि कैसे आपको इसे जोड़ना है। और ये देखिए, और ये एक हैंगिंग बेड शीट है जो स्ट्रैप ऑन हो जाता है, इसी में ही बेडिंग लगाना है। तो ये सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर नीचे थी और सेकंड लेयर ये है। और इसमें साइड में प्लास्टिक के हुक दिए हुए हैं जो काफ़ी मजबूत हैं और इजीली लग जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस क्रिब में कहीं भी शार्प एजेस नहीं हैं जो बच्चे को नुकसान पहुँचाए। और ये चार रॉड हैं, और यहाँ पे जो बेडशीट है इसमें होल दिए हुए हैं, तो इसमें ये लगाना है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको फिक्स कर देना है और बस फिर ये एक लेवल में आ जाएगा। और ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी मैं फिक्स कर रही हूँ और इसके ऊपर एक बेडिंग लगा दूंगी, तो इसके ऊपर मैं पहले मिश्री को अपनी सुलाती थी, इसमें ही लिटाती थी। और ये देखिए बेडिंग है,
एक साइड तो ये हार्ड है और दूसरे साइड को ये काफ़ी सॉफ्ट है, फॉर्म क्लियर है इसके अंदर, और ये जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वॉशेबल है, मतलब इजीली कुछ भी अगर गिरता है तो साफ़ हो जाएगा ये। और इसमें इसको बैटिंग को लगाने के बाद किसी भी गद्दे को फॉर्म को लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। और अब इसके नीचे, अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसका स्टोरेज एरिया हो गया है जिसमें आप डायपर और कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से जिप ओपन कर लीजिए और जो भी सामान चाहिए आप यहाँ से। और ये बच्चों के स्टोरेज के लिए तो बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पेस है। और इसे बंद कर लेते हैं तो ये तो फिक्स हो गया है, और इसे इजीली देखिए कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत है। बच्चा चाहे इसमें खेले कुछ भी करे, ये नीचे नहीं टूटेगा, काफ़ी मजबूत है ये। और इसके बाद जो मुझे इसमें ज़्यादा यूज़फुल लगा वो है ये डायपर चेंजिंग ट्रे। इसे ये अलग अलग पार्ट में था जिसे हमने जोड़ के एक पूरा प्रॉपर बना दिया है, और ये इसे भी हुक लगे हुए हैं इसमें भी साइड में, तो इसको भी फिक्स कर लेना है। ये देखो इजीली प्लास्टिक के हुक हैं बट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है जो कि टूटेगा नहीं अगर आपका बच्चा इसमें लेटता है और डायपर चेंज उसका होता है तो। ये देखिए ये फिक्स हो गया है। और ये है बेल्ट, अगर जैसे आप बच्चे के डायपर चेंज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है वो पलटने लगता है, तो आप पहले ये सीट बेल्ट लगा लीजिए और बस डायपर चेंज कर लीजिए। और ये बीच में एक फॉर्मिंग दी गई है जिससे कि बच्चे को चुभे ना ये, और इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं अगर इसमें सुसु पॉटी कुछ लग जाता है तो। और इसका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और जब ये आपको डायपर ट्रे नहीं चाहिए तो बस इसे साइड में डाल लीजिए, और जब भी चाहिए तो आप ऊपर डाल लीजिए। और ये है मॉस्किटो नेट, इसको आप ऐसे लगा देंगे जैसे रात में बच्चा सोया है या दिन में भी सोया है, कभी कभी मॉस्किटो आ जाते हैं दिन में भी, तो ऐसे लगा लीजिए ये मॉस्किटो नहीं आएंगे। तो ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगा, और जिस हिसाब से इसका प्राइस था उस हिसाब से तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ नेट को, और जैसे ये भी है इसमें, ये म्यूजिकल है, इसको इजीली ऐसे लगा लिया और साइड में इसको अटैच कर लिया। और इसमें ना जैसे पहले ये नहीं आता चाबी वाले खिलौने आते थे तो वैसा ही है, बस इसमें चाबी भरनी पड़ती है और बहुत अच्छा साउंड आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी मिश्री तो इसको सुन के आराम से सो जाती थी। और अब मैं इस बेड को हटा देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरी मिश्री छोटी थी न्यूबॉर्न थी तब के लिए तो मेरे लिए ठीक था ऊपर वाली लेयर, लेकिन अब वो जो है खड़ी भी होने लग गई है पकड़ पकड़ के, तो अब मैं इसकी ऊपर की लेयर को हटा देती हूँ और अब मैं मिश्री को अपनी नीचे वाली लेयर में ही बिठाऊंगी, और इजीली उसमें वो खेल भी सकती है, खड़े खड़ी भी हो जाएगी तो बाहर नहीं आ पाएगी, और हम यहाँ से अगर बाहर जैसे बैठते हैं तो ये देख सकते हैं कि वो क्या कर रही है, आराम से उसके खिलौने भी इसमें पड़े रहेंगे वरना इधर उधर खिलौने खो जाते हैं। तो अब ये जो बेडिंग है इसको मैं लगा दूंगी, तो मैं ये कहूँगी कि इसमें वन टाइम पैसा आपका लगा है, लेकिन ये जब तक बच्चा आपका चलने लाने लग जाए और मतलब इतना जितनी इसकी वॉल है इतना पार करके ना चला जाए तो तब तक के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें ना गिरने का भी कुछ भी झंझट नहीं है। और बस वो रेडी हो गया है और मैं अपनी मिश्री को लेके आ गई हूँ खेलने के लिए, वरना ना उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो गिर ना जाए इधर उधर, तो अब काफ़ी रिस्की हो गया, वो पलटने लगी है, खड़े भी होने लगी है पकड़ पकड़ के, अब बैठ तो जाती है आराम से। तो अभी उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये क्या है, नई नई चीज़ें बच्चे कितना ऑब्जर्व करते हैं ना कि आज कुछ नया हुआ है। और वो देखो म्यूजिकल वाला वो देख रही है, जब वो छोटी थी ना 5-6 दिन की थी तब भी वो उसे देखती थी और अब भी उसे देखती है। और बस जब अब मैंने ये क्रिप निकाल लिया ना तो मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ कि मेरी मिश्री कहीं गिर ना जाए बेड से, अगर नीचे भी मैं मैट बिछा के इसको रखती हूँ ना तो कभी कभी क्या होता है लेट जाती है तो डर लगता है।
सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर आप क्रिप खरीदने की सोच रहे हैं तो। और मेरे ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।